नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ गरिमा भारती। कल यानी कि 16 जनवरी को डोरांडा कोषागार मामले में लालू यादव की रांची के सीबीआई कोर्ट में पेशी होने वाली है, जिससे पहले लालू यादव के वकील प्रभात कुमार उनसे मिलने रिम्स पहुंचे थे, लेकिन रिम्स प्रशासन ने उन्हें बाहर में ही रोक दिया। पेशी के मामले में चर्चा करने के लिए पहुंचे वकील प्रभात कुमार को रिम्स प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बाहर ही रोक दिया, लेकिन जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो कल होने वाली पेशी के बारे में प्रभात कुमार ने विस्तार में बातचीत की है, कुछ बताया है, आप सुनिए। हम तो कोर्ट का बता सकते हैं, कोर्ट जज साहब ने कहा कि हमने प्रोडक्शन वारंट का भेज दिया। तो उसमें क्या होता है सर, प्रोडक्शन वारंट मतलब क्या, कोर्ट में जाना पड़ेगा इनको क्या? सर कल 313 का बयान दर्ज होने के लिए कल की तिथि निर्धारित की गई है, क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारी का तो कोर्ट और एक्यूज के बीच में रहता है। अब कोर्ट ने अपना क्वेश्चन बना लिया है, अभी जाएंगे तो उनसे क्वेश्चन पुट करेगा, उसका ही अपना सफाई में जो उनको बोलना सर, तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है सर, कौन सा मामला है? पूरे ट्रायल में जो है पहली बार जो है एक्यूज को अपने डिफेंस में कोर्ट में बोलने का मौका मिलता है। तो लालू जी कल जाएंगे, उपस्थिति जरूरी होती है। हाँ, कोर्ट और एक्यूज के बीच में ही रहता है, दूसरे आदमी को चीज पर निकल सकता है सर, कौन सा मामला, लॉयर का या किसी अन्य व्यक्ति का जो है कोई रोल नहीं। कौन सा मामला है सर? वो कोर्ट में तो बोला गया था, अब यहाँ आदेश आया है कि नहीं कोर्ट का, सर किसके कोर्ट में कल हाजिर, कौन सा चारा घोटाला का मामला है? तो सुना आपने, डोरांडा कोषागार मामले में 16 जनवरी को लालू यादव की पेशी होने वाली है, जिसको लेकर उनके वकील प्रभात कुमार ने मीडिया से बातचीत की है। बताया है कि कल 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की पेशी होने वाली है, उनका बयान दर्ज कराया जाने वाला है। अब देखना ये होगा क्या इसके बाद उन पर या फिर मुकदमा दायर किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे पहले यानी कि पेशी से पहले पहुंचे वकील, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और चिंता का विषय ये है कि पेशी से पहले लालू यादव के वकील उनसे मिल नहीं पाए हैं। अब किस तरह का तालमेल कोर्ट में बैठता है, किस तरह की पेशी होती है और बयान किस तरह का दर्ज कराया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।